दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक युवक एक गुरु के पास जाता है और उनसे जाकर बोलता है कि हे गुरुदेव, मैं काफ़ी समय से बहुत ही बीमार रहने लगा। मेरा शरीर ठीक से काम ही नहीं करता, उसमें ऊर्जा ही नहीं रहती। मैं हमेशा ही थका थका सा महसूस करता हूँ, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। अब आप ही बताइए, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी सारी बीमारियाँ दूर हो जाएँ और मुझे कोई दवा न लेनी पड़े और किसी भी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं चिकित्सक के पास जाकर अपना इलाज करवा सकूं। मैं अब चिकित्सक से दवाई ले ले करके परेशान हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरी सेहत में कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए अब आप ही मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं ठीक हो जाऊँ और मुझे किसी डॉक्टर के पास या किसी वैद्य के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े और महंगी महंगी दवाइयों से भी मुझे छुटकारा मिल जाए। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराए और उससे बोलते हैं कि बेटा, हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा डॉक्टर मौजूद है जो पूरी रात हमारी बीमारियों को ठीक करता है, हमारे शरीर को रिचार्ज करता है, हमारे दिमाग को फ्रेश करता है, आपको जवान और निरोगी रखने में आपकी मदद करता है। और वह एक ऐसा डॉक्टर है जिसकी दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त हैं और उसका कोई नुकसान भी नहीं है। गुरु की बात सुनकर युवक चौंक जाता है और गुरु से आश्चर्य से पूछता है कि कैसे गुरुदेव, आप मुझे जरा विस्तार से बताइए। फिर गुरु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज जो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम उसका अनुसरण करते रहोगे तो तुम जीवन भर बीमार नहीं होगे। युवक गुरु की बातों को उत्सुकता से सुनने लगता है। फिर गुरु ने कहना शुरू किया, बेटा जिस डॉक्टर की बात मैं कर रहा हूँ वह डॉक्टर तुम्हारी नींद में है या हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं। ये डॉक्टर हमारी नींद में होते हैं, नींद में ही ये डॉक्टर हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं। जब हम सोते हैं तो ये डॉक्टर हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं और अगर वह सही से काम नहीं करते तो आपका शरीर बूढ़ा और बीमार पड़ने लगता है। लेकिन अगर तुम मेरी बातों पर अमल करो तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह से नींद में ही बीमारियों को ठीक करने लगेगा। अब तुम नींद के बारे में ध्यान से समझो कि आखिर नींद में हमारे अंदर ऐसा क्या होता है, क्या यह प्राकृतिक उपचार होता है। आपने यह बिल्कुल सुना होगा कि जिसकी नींद अच्छी नहीं होती है उसकी वह उत्पादक क्षमता नहीं रहती है जो होनी चाहिए, जिससे बहुत सारी बीमारियों से घेर लेती हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। फिर गुरु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि नींद में हमारा शरीर किस तरह से डॉक्टर बनता है और हमारी बीमारियों को कैसे ठीक करता है, जरा ध्यान से सुनो। नींद में आपका शरीर और आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है और जब न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है तो आपके दिमाग की ऊर्जा भी कम हो जाती है और उसी समय आपके दिमाग के पास मौका रहता है कि वह अपने आप को रिचार्ज कर सके और जो अपव्यय उसके पास खत्म हो चुके हैं उसको वह वापस ला सके और जो भी जहर आपके शरीर में बना है, आपके दिमाग में बना है, उसको नष्ट कर सके, उसकी सफाई कर सके। और ऐसे ही हमारे मसल्स के साथ भी होता है। अधिकतर लोग जब सोते हैं तो उनमें एक टेंशन सी होती है और उस टेंशन के लिए उनका शरीर ऊर्जा खर्च करता रहता है। लेकिन जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं तो आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती है और आपका शरीर भी रिलैक्स हो जाता है, जिससे वहाँ की सफाई फिर से चालू हो जाती है, यानी कि रिचार्जिंग एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हैं तो मसल से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और यह ब्लड फ्लो आपकी मसल्स को रिचार्ज करता है और आपकी मसल्स को पावरफुल बनाता है और जो भी टूटी फूटी मसल्स हैं, टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं, उनको रिपेयर करने में यह तुम्हारा शरीर नींद में मदद करता है। फिर गुरु उस युवक से दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद में हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव होता है। ग्रोथ हार्मोन्स जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, इसी हार्मोन्स के कारण तुम्हारे शरीर में अगर कहीं भी टूटी फूटी कोशिकाएं हैं तो यह हार्मोन्स उन टूटी फूटी कोशिकाओं का रिपेयर करती है। और दूसरी बात यह है कि आपका शरीर बढ़ने के लिए बना है, ग्रो होने के लिए बना है। जिन लोगों में ग्रोथ रुक जाती है तो वे लोग जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, उनकी त्वचा रूखी रूखी सी हो जाती है, जिसका कारण यह है कि आप गहरी नींद में नहीं जा पा रहे हैं और आपकी गहरी नींद नहीं हो पा रही है, इसी कारण ग्रोथ हार्मोन पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप अपनी नींद को गहरा कर लें तो यह हार्मोन अच्छे तरीके से आपके शरीर में स्रावित होने लगेगा और आपके शरीर में जितनी भी टूटी फूटी कोशिकाएं होंगी उसकी मरम्मत होती जाएगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि हमारा शरीर
गहरी नींद में टेंशन से मुक्त रहता है। हमारे जीवन में हर रोज अनेक गतिविधियां होती हैं और चुनौतियों के कारण तनाव और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर एक फालतू की इमरजेंसी मोड में रहता है, जिससे 95% ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिसके कारण आप लगातार बीमार पड़ने लगते हैं और आपकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। हमारे शरीर में 95% बीमारियां मानसिक तनाव के कारण पैदा होती हैं, लेकिन वहीं जिस इंसान की गहरी नींद होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटने लगता है, और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता है तो आपके दिमाग और आपके शरीर के पास एक संदेश लेकर जाता है कि डरने की अब कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहो और जीवन को मजे से जियो। इसलिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक होती है। फिर गुरु उस युवक को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को दो ही चीज़ें कंट्रोल करती हैं, एक है आपका स्ट्रेस और दूसरा है आपकी अच्छी नींद। कुछ लोग मौसम के बदलाव से बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हैं, इसका कारण यह है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, लेकिन जब गहरी नींद आती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि हमारे शरीर का सिपाही बोलते हैं, वे सारे के सारे सक्रिय हो जाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली अपना काम अच्छे से कर पाती है, जिससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, शरीर बढ़ने लगता है, शरीर में मजबूती आती है, शरीर में ऊर्जा आती है और आप खुश रहने लगते हैं। और वहीं जिनकी नींद गहरी नहीं होती है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक से काम नहीं करती। यह वही बात हो गई कि आपके पास सेना तो है और आपने लड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन वह दुश्मन को नहीं पहचानते कि कौन उनका दुश्मन है कौन नहीं, और इसी के कारण आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ गहरी नींद से आप अपने भीतर के डॉक्टर को जगाकर इन सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि इन बीमारियों के 100% कारण यही हैं, लेकिन काफी हद तक गहरी नींद आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। फिर गुरुजी पांचवा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से हमारे हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अंधेरा होता है तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज आता है जिससे शरीर एक्टिवेट हो जाता है कि अब अंधेरा हो गया है, और तब आपका पीनियल ग्लैंड्स एक केमिकल निकालता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन के कारण शरीर की हीलिंग होती है और शरीर रिचार्ज होता है और आपकी नींद बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहरी आती है। मेलाटोनिन से ही हैप्पीनेस केमिकल्स भी बनता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप अपनी स्लीप साइकिल्स को बैलेंस रखते हैं तो इसके कारण शरीर अपने आप ही बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देता है। इसके बाद में वह युवक उन गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं यह तो समझ गया कि गहरी नींद में किस तरीके से हमारा शरीर हमारी बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन अब आप मुझे यह बताइए कि हम गहरी नींद कैसे ले सकते हैं और गहरी नींद लेने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। युवक की बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि बेटा, गहरी नींद में जाने के लिए हमें यह उपाय करने पड़ते हैं। अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसे ध्यान से सुनो। अधिकतर लोग गहरी नींद में जा ही नहीं पाते, जिसके कारण उनका शरीर बीमारियों को ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि कच्ची नींद में आपकी मसल्स में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है और आपका शरीर रिफ्रेश नहीं हो पाता है, आप तरोताज़ा नहीं महसूस कर पाते हैं, जिससे आपके शरीर में अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए गहरी नींद में जाने के लिए आपको सबसे पहले यह काम करने चाहिए कि सोने से 1-2 घंटे पहले आपको अपने कमरे में अंधेरा करना है। आप जो भी लाइट जला कर रखते हैं उसे 1-2 घंटे पहले ही बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर उजाला रहेगा तो आपके दिमाग में यह संदेश जाता रहेगा कि यह जागने का समय है, और जिससे मेलाटोनिन नहीं बनेगा, और मेलाटोनिन ही हमें गहरी नींद में लेकर जाता है। दूसरा काम, आपको रात में मोबाइल से नहीं चलाना है, क्योंकि मोबाइल से जो नीली लाइट आपकी आंखों में जाती है, जिससे आपके दिमाग को यह संदेश जाता है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ है। इसलिए जब हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो हमें या तो ठीक से नींद नहीं आती है या तो अच्छी नींद आती ही नहीं। इसलिए सोने के 2-3 घंटे पहले ही मोबाइल को बंद करके रख देना है, जिससे आपको गहरी नींद आए। गहरी नींद में जाने के लिए तीसरा काम आपको यह करना है कि आपको सोने से 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना है। जैन समाज में लोग रात को खाना नहीं खाते, क्योंकि जब हम पेट भर के खाना खा लेते हैं तो हमारी प्राण शक्ति उस खाने को पचाने में लग जाती है और वह लगी ही रहती है, जिससे उसे हमारे शरीर को बीमारियों को ठीक करने का समय ही नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना भी शाम को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब मसालेदार खाना आपकी पेट में जाता है तो वह ठीक से पचता नहीं है
और उससे हमारे ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है और पाचन भी हमारा दुरुस्त नहीं होता है, जिससे शरीर और बीमार होने लगता है। मसालेदार खाना खाने से हमें कच्ची ढकार भी आती है, एसिडिटी होती है, इसलिए सोने के 3-4 घंटे पहले ही हमें खाना खा लेना चाहिए और हमें कम मसालेदार खाना ही खाना चाहिए। और जो लोग सोने से पहले हल्का भोजन करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उनको अच्छी और गहरी नींद जरूर आती है। इसलिए सोने से पहले अपने परिवार वालों से बातचीत जरूर करें, किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुन सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, इससे आपको अच्छी नींद जरूर आएगी। गहरी नींद में जाने के लिए चौथा काम आपको यह करना है कि आपको चिंताओं से दूर रहना है। जो लोग परिवार वालों के साथ न होकर अकेले होते हैं, वह चिंता को साथ लेकर सोते हैं और वे अकेले में पड़े पड़े यही सोचते रहते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, आगे क्या होगा। बस इसी तरह से चिंता को अपने सिर पर लादे रखते हैं। सोते समय जो विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, उन्हें वह विचार पूरी रात ठीक से सोने ही नहीं देते। जब वे लोग सुबह उठेंगे तो भी वही विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जिससे उनका पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है और उनको ठीक से रात में नींद भी नहीं आती है। इसलिए सोने से ठीक पहले योग निद्रा का अभ्यास करें और अच्छी अच्छी बातें सोचें, खुद को अच्छी अच्छी बातें बोलें। और जब आप घर पर आ जाएं तो आप ऑफिस की बातें या कहीं की बातें सब भूल जाइए, केवल और केवल आप अपने परिवार के साथ समय बिताएं और अच्छी बात सोचते हुए अपने बिस्तर पर सोने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो वह आपको तनाव ही देंगे, और अगर आपके दिमाग में सकारात्मक विचार रहेंगे तो वे सकारात्मक विचार आपके जीवन का निर्माण करेंगे और आप तनाव मुक्त रहेंगे और आप चिंताओं से भी दूर रहेंगे और आपका शरीर बीमारियों को ठीक करता रहेगा, आपका दिमाग भी तेज रहेगा। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हम गहरी नींद में जाकर अपने शरीर की 95% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इसलिए हमें गहरी नींद में जाने का अभ्यास करना चाहिए। तुम्हें पता है कि गौतम बुद्ध गहरी नींद में जाने के लिए या तो शाम का खाना ही नहीं खाते थे, या फिर अगर खाते भी थे तो वे बहुत ही कम मात्रा में भोजन करते थे, जिससे वह हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहते थे। जब हम भूखे रहते हैं, खाली पेट रहते हैं या बहुत ही हल्का भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने में लग जाती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। अब उस युवक को गुरु की सारी बातें समझ में आ चुकी थी। फिर वह युवक उन गुरु जी से कहता है कि गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मुझे स्वस्थ रहने का एक ऐसा राज आपने बताया है जिससे मैं सभी बीमारियों को अब ठीक कर सकता हूँ, अब मैं आपके बताए हर नियम का पालन करूँगा। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुरा देते हैं और फिर दोबारा मौन हो जाते हैं। वह युवक उन गुरु को प्रणाम करता हुआ वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और आप भी गहरी नींद में जाने का रोज प्रयास करें और एक अच्छी और गहरी नींद लें, ताकि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और मजबूत रहे और आपको कभी भी कोई बीमारी जल्दी से पकड़े नहीं। इस वीडियो में बने रहने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।